शादी ब्याह में तो पनीर आपने बहुत खाया होगा, लेकिन मैंने आज बनाया तहलका पनीर, तो मुंह में जाते ही एकदम ये घुल जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है दीदी की रेसिपी में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तहलका पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिए खड़ी धनिया, इसे मैं सबसे पहले भूनूंगी कढ़ाई में। और मैंने यहाँ पे लवंग और छोटी इलायची इसमें डाल दूंगी, और 2 बड़ी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च और जीरा डालना है इसके अंदर। एक चम्मच मेथी दाना है, इसे भी भूनना है। तो हल्के आंच पे इसे भून लेना है। मैंने कुछ कड़ी पत्ता ले लिया है, इसे भी भून लेना है अच्छे से। ये भुने हुए मसाले बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला है, ये बहुत अच्छा लगता है और इससे बाल भी बहुत बड़े होते हैं। तो मसालों को अच्छे से भून लेना, इससे ज्यादा मैंने मसाला नहीं लिया, इतने खड़े मसाले लिए हैं। अच्छे से इन्हें भूनना है, जलाना नहीं है, बस इनका सा रोस्ट करना है। देखो इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है मसालों में से। इस मसाले अच्छे से भून गए हैं तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ दूसरे प्लेट में। पीसना है बिना पानी के, आप मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसे सील पे पीसूंगी। देखिए कितना क्रिस्पी करारा हो रहा है और खुशबू तो लाजवाब आ रही है। तो बिना पानी डाले इसे पीसना है। मैंने पनीर की सब्जी एक और वीडियो बनाया है, आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां पे जाके जरूर देखिए। लगभग मसाले मेरे पीस चुके हैं। तो इस मसाले को आप पीस के रख देंगे तो आप कोई भी सब्जी बनाए तो उसमें डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मसाला मेरा पीस चुका है, तो इसे उठा ले रही हूँ मैं। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया सरसों का तेल, तो कढ़ाई में डाल दे रही हूँ तलने के लिए पनीर को। तो ये गरम तेल गरम हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे पनीर को कट कर ले रहे हैं। तो ये तो देखिए दोस्तों, ये पनीर मैंने घर पे जमाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, यानी कि आपको भी सीखना है पनीर बनाने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी मैं, आप जरूर जाके वहाँ पे देखिए। पनीर को अपने मन चाहे आकार में कट कर ले। बड़े बड़े थोड़े काटूंगी इस तरह से पनीर की सब्जी। मैंने कुछ इस साइज में, यानी कुछ इस आकार में मैंने काट लिया है पनीर को। तो यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो गया है। सरसों के तेल में आप जब भी बनाएंगे तो ये बहुत ही डिलीशियस लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। मेक श्योर आपके पास सरसों का तेल हो तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। गैस का फ्लेम याद रहे कि आप तेज आंच पे इसे फ्राई करें, नहीं तो पनीर कढ़ाई में चिपक जाएगा। तेज आंच पे ही फ्राई करें तो चिपकेगा नहीं है। तो पनीर को पलट लेना है अच्छे से, ये देखिए सुनहरा हो गया है। तो देखिए पनीर हमारा कितना अच्छा पक रहा है। पनीर की सब्जी किसको किसको पसंद है कमेंट में जरूर लिखिए। भाई मुझे तो बहुत पसंद है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो मुझे नहीं पसंद है। आंटी को सब पसंद है। देखिए दोस्तों ये भी फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें भी निकाल ले रहे हैं हम।
तो देखिए दोस्तों, पनीर हमारा एकदम मस्त फ्राई हो चुका है, लग रहा है ना तहलका एकदम। दोस्तों पनीर सभी फ्राई हो गए, तो चलिए इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं एकदम खतरनाक। ये दोस्तों ये वही कढ़ाई है जिसमें हमने पनीर फ्राई किया था, तो मैं यहाँ पे एक चुटकी इसमें डालूंगी पचफोरन। ये देख लीजिए, पचफोरन हमारा तड़क चुका है, तो मैं इसमें डालूंगी कुछ तेज पत्ते और साथ ही डालूंगी कुछ कटी हुई हरी मिर्च। तो मैंने इसे लंबा लंबा कट कर लिया था हरी मिर्च को। तो देखिए दोस्तों, मैंने 3 बड़े प्याज मैंने कट कर लिए थे, जल गई मैं, इसे मैं डाल दूंगी, बारीक कट कर लिया था मैंने इसे। तो इसे भी भून लेना है अच्छा सा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लहसुन को कूट लिया था, इसे भी डाल दूंगी मैं। तो मैंने 10-12 कलियां ली थी लहसुन की, उसे कूट लिया है। और यही भी मैंने अदरक लिया जिसे क्रश कर लिया है, इसे भी मैं डाल दूंगी। ये तकरीबन 2 इंच अदरक है। तो मसालों को अच्छे से भून लेना है। तो प्याज को हमें ज्यादा ही पकाना है, जब तक सुनहरा ना हो जाए तब तक हमें पकाना है इसे। दोस्तों प्याज हमारा कुछ इतना पक चुका है, अभी सुनहरा नहीं हुआ है, तो पकाते ही रहना इसे। यानी इससे जल्दी, वैसे मुझे लगता है कि ऐसे करने से प्याज जल्दी पक जाता है। आप लोग भी ऐसे ट्राई करके देखिए, सेंटर में इकट्ठा करके। साइड साइड से देखिए कैसे तेल निकल रहा है। तो देखिए दोस्तों, प्याज हमारा सुनहरा हो गया है, तो मैं यहाँ पे डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, और यहीं पे मैं डालूंगी 1 चम्मच गरम मसाला। आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं। और इसी के बाद मैं ये वाला मसाला डालूंगी जो हमने घर पे बनाया था, तो ये मैं पूरा डाल दूंगी इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, स्वाद अनुसार नमक मैं अभी डाल दूंगी, यानी कि भूनते समय ही डाल दूंगी। तो इससे क्या है ना, नमक डालने से पानी छोड़ने लगता है मसाला, तो अच्छे से भूनता है। इसकी प्यूरी बना ली थी, तो इसे भी डाल देना इसके अंदर। इसके बाद अब इसे अच्छे से भूनना है जब तक तेल इसका ना निकले, तो इसे हल्के आंच पे भूनना है, धीरे धीरे एकदम पकने देना इसे। तो देखिए दोस्तों, मसाला लगभग पक चुका है, इसमें से देखिए थोड़ा थोड़ा तेल रिलीज होने लगा है, लेकिन ये पूरा नहीं पका है। तो 2-3 मिनट के लिए हमें इसे और पकाना है। तो देखिए दोस्तों, तेल एकदम से रिलीज हो गया है मसालों का। तो अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी डालूंगी। कटोरी पानी में और डालूंगी, इतनी ग्रेवी मेरे घर पे चाहिए, तो मैं इतनी ही बना रही हूँ। अगर आपको और ढीली ग्रेवी चाहिए तो आप और पानी डालिए। तो मैं बस लटपट पनीर बना रही हूँ यहाँ पे, मसाले से एकदम कोट हुआ। तो इसमें अच्छा सा उबाल आने देते हैं। देखिए दोस्तों, सब्जी में अच्छी सी उबाल आ गई है, यानी मसालों में। तो इसमें हम पनीर डाल लेंगे अब। तो एक एक करके पनीर डालना है। ये देखिए, अच्छे से बिछा दे रहे हैं पनीर को। तो ये देखिए, पनीर हमारा अच्छे से बिछ रहा है, कितना जबरदस्त लगेगा ये। तो ये हमारा लाजवाब खतरनाक पनीर कुछ ही मिनटों में रेडी हो जाएगा। तो बस इसे 1 मिनट के लिए और पकाना है। तो देखिए दोस्तों, साथ में हम धनिया इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि धनिया भी थोड़ी इसमें पक जाए, तो इसका टेस्ट और मस्त आ जाता है। तो थोड़ा इसे चला देना है, ताकि मसाले और इसके अंदर कोट हो जाए। चलाने के बाद बस इसे 1-1.5 मिनट के लिए और पकाना है।
हमारी सब्जी बनके रेडी है। तो देखिए दोस्तों, पनीर की सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, लग रही है ना एकदम खतरनाक। तो इस तरह से आप भी ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसी बनी थी। तो एकदम तो देखिए दोस्तों, इसे मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ सर्व करने के लिए। तो ये लग रहा है ना एकदम खतरनाक, लाजवाब कहिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है इसे। तो आप इसे खाएंगे तो नॉनवेज का स्वाद भूल जाएंगे। ये देखिए लाजवाब खतरनाक मेरी पनीर तो रेडी है। अब हम जा रहे हैं खाने। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो ऐसी लाजवाब खतरनाक रेसिपी तो तैयार हो चुकी है, तो आप भी जरूर ट्राई करें। आपके घर पे मेहमान आए या किटी पार्टी हो तो ऐसी पनीर की सब्जी जरूर ट्राई करिए। झटपट तैयार हो जाती है और टाइम पता भी नहीं चलता कब बन गया है। दोस्तों आपको रेसिपी मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूले। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और अगली रेसिपी आपको क्या चाहिए वो भी मुझे कमेंट में जरूर लिखें। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।